आईफोन 13 ग्रीन स्क्रीन इशू हाउ टू सॉल्व। यदि आप एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट करते हैं तो आपको एक नहीं दो नहीं लगभग यहाँ पे हजारों में रिपोर्ट्स देखने को मिलती हैं, जहाँ पर सेम जो है कंफर्म किया जा रहा है कि हमारे आईफोन्स में ग्रीन स्क्रीन का इशू आ रहा है। एंड यहाँ पे आप सभी चेकआउट करें, लगभग जो है यहाँ पे 1400-1500 इस तरीके से रिपोर्ट्स सबमिटेड हैं। अगर आप जाते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी सारी रिपोर्ट्स जिन्होंने यहाँ पे सबमिट की हैं उनकी आपको डिटेल देखने को मिल जाती है। वैसे यहाँ पे बात करेंगे कि क्या वाकई में जो आईफोन 13 सीरीज़ है वो पूरी ही यहाँ पे डिस्ट्रॉय होने वाली है ग्रीन स्क्रीन से, या फिर कैसे आप इसको सेव कर सकते हैं। यदि आपके पास आईफोन 13 नहीं है तो भी आप इस वीडियो को वॉच करें, क्योंकि यही सेम इशू आपके आईफोन 11, 12 या फिर हो सकता है कि आईफोन 14 प्रो जैसी सीरीज़ के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। बाय द वे गाइस, आपको बताना चाहूँगा कि मैं खुद भी यहाँ पे iOS 17 के अपडेट्स को डाउनलोड करके यूज़ करता हूँ, बट जितने भी यहाँ पे मैं केसेस देख रहा हूँ कि जिनके पास यहाँ पे OLED डिस्प्ले है जो कि iPhone 13 में देखने को मिलती है, खासकर यहाँ पे जो अफेक्टेड सीरीज़ है वो है यहाँ पे iPhone 13। साथ के साथ मैंने जहाँ तक रीड की हैं यहाँ पे रिपोर्ट्स को, वहाँ पे मुझे मिलता है कि जो iPhone 14 सीरीज़ है वो भी यहाँ पे अफेक्टेड हो रही है इस ग्रीन स्क्रीन इशू से। तो चलो मैं आपको थोड़ी सी टिप्स यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, क्यों आपको ये iPhone के जो अपडेट्स आ रहे हैं क्या आपको स्किप करने चाहिए या फिर नहीं। एंड साथ के साथ अगर आपके पास ये आईफोन्स हैं तो आप कैसे फिर भी इनको इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि आपका कोई इशू ना हो। खासकर बताना चाहूँगा कि जिनके पास यहाँ पे अंडर वारंटी है आईफोन, चलो वो तो कर भी लेते हैं, बट वहाँ पे भी देखा जा रहा है कि वो भी उनके आईफोन्स को रिपेयर नहीं करते फ्री में। तो डेट्स वाई यदि आपकी वारंटी जा चुकी है आईफोन की तो इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा रिगार्डिंग दिस इशू। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं, जैसा कि आप सभी चेकआउट कर सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे आईफोन 11 प्रो मैक्स है ये वाला, एंड साथ के साथ जिससे मैं शूट कर रहा हूँ वो 14 प्रो मैक्स है। अब मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों मैंने जो है 14 प्रो मैक्स जो डिवाइस है मेरा, उसके अंदर मैंने iOS 17 के अपडेट्स को इंस्टॉल करना कल से बंद कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब से अपडेट आए हैं, वैसे मैं पहले कर रहा था बट अभी जो है मैंने स्टॉप कर दिया। रीज़न है कि मेरे वो आईफोन की जो वारंटी वो जा चुकी है। अरे यार, मैं नहीं चाहता कि 25 से 30 हज़ार रुपये पड़ के यहाँ पे कुछ इशू हो जाए, बट ऐसा नहीं कि मैं हमेशा ही नहीं करूँगा, अभी मैं करना शुरू करूँगा, बट थोड़ी सी मैं रिसर्च कर रहा हूँ इसके, क्योंकि यदि आप एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट करते हैं तो एप्पल ने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है कि भाई ये जो ग्रीन स्क्रीन इशू है वो हमारे अपडेट्स की वजह से ही आ रहा है। तो ऐसे में और भी ज़्यादा रिस्की हो जाता है कि भाई जो ऑफिशियली ऑनर्स हैं वो तो इसके ऊपर कुछ बोल ही नहीं रहे, तो हमारे आईफोन्स में ये अफेक्ट आ जाता है तो इसकी गारंटी कौन लेता है, ठीक है। तो अभी देखो आपको क्या करना है, अगर आपके पास आईफोन 13 या फिर 14 सीरीज़ है, जिनके पास यहाँ पे खासकर OLED डिस्प्ले है, OLED डिस्प्ले आई थिंक यहाँ पे आईफोन 13 में ही देखने को मिलती, उनके आईफोन्स में खासकर इशू हो जा रहा है। वैसे एप्पल ने कहा था कि हमने जो है यहाँ पे iOS 17.0.3 अपडेट दिया है, तो इस अपडेट के बाद आपके आईफोन्स में जो ग्रीन स्क्रीन इशू है वो सॉल्व आउट हो जाएगा, बट अभी भी ये सॉल्व आउट नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अभी जो है मैं यहाँ पे करंटली जो स्टेबल वर्जन है जो कि 17.1 इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता था काफ़ी टाइम से, वो है कि जिनके पास आईफोन 13 है या फिर 13 सीरीज़ कोई भी है, इवन अगर 14 भी है, तो यदि आप अभी जो है स्टेबल वर्जन पर आ चुके हैं iOS 17.1 या फिर 17 के ऊपर, तो आप रुक जाएँ, क्योंकि यहाँ पर जो अपडेट्स है खासकर आईफोन 13 वाले सुन लें, क्योंकि यहाँ पर जो है एप्पल इसके ऊपर कुछ भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे रहा है। तो ग्रीन स्क्रीन का इशू अगर एक बार आपके आईफोन्स में आ जाता है, तो यदि आपका आईफोन अंडर वारंटी है तो आप बिंदास कर लो, कोई इशू नहीं, फ्री में रिपेयर जो है यहाँ पे हो जाएगा। बट यदि आपका आईफोन की वारंटी जा चुकी है तो थोड़ा सा आप वेट करके इसको अपडेट किया करें, क्योंकि मैं पहले ही बोलता हूँ मेरे पास यहाँ पे आईफोन 13 तो नहीं है। तो यदि कोई न्यू अपडेट आता है iOS 17 के रिगार्डिंग, खासकर आईफोन 13 वाले, प्लीज़ आप थोड़ा सा अदर चैनल पर जाकर भी विजिट कर लिया करो कि वहाँ पर इस अपडेट के बाद आईफोन 13 में क्या हाल है। आप इमीडिएटली अपडेट मत किया करो, जैसे कि अभी के टाइम अपडेट आया तो आप जो है एक या फिर 24 घंटे का वेट कर लिया करो। बहुत सी वीडियोस अपलोड हो जाती हैं कि भाई आईफोन 13 वालों में क्या अपडेट के बाद कोई इशू आ रहा है या फिर नहीं, तो आप जो है थोड़ा सा वेट कर लिया करो, क्योंकि उसमें क्या होता है आपको पता लग जाएगा कि भाई इसके बाद कोई इशू तो नहीं हो रहा। एक्चुअली गाइस, मेरे पास यहाँ पे आईफोन 13 नहीं है, दैट्स व्हाई मैं जो है यहाँ पे रिव्यू नहीं दे पाता हूँ इसका, बट आपको जो है मैंने तरीका बता दिया, आप वेट करके किसी अदर चैनल पर जाके भी उसका देख लिया करो रिव्यू कि हाँ भाई इसने अपडेट किया तो इसका क्या हाल है, ठीक है। अगर आपका आईफोन अंडर वारंटी है तो कोई बात ही नहीं, आप इसको कर लो, आपका फ्री में जो है रिपेयर करेंगे ऑफिशियली अगर जाते हो एप्पल स्टोर पे। खासकर जो है यहाँ पे आईफोन 14 में मुझे तो इशू नहीं आया, बट मैंने इसलिए रोक दिया क्योंकि वहाँ पे मैं यूज़ नहीं कर रहा था। अगर जो है आपको iOS 17 के फीचर्स ज़्यादा ही बेटर लगते हैं, बट iOS 17 के अपडेट्स जो हैं आ तो रहे हैं, बट इसमें जो फीचर्स हैं इतने भी ज़्यादा कूल नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा मतलब कि एक्साइटेड हो जाओ कि इनको करना ही करना है। अगर नहीं भी करोगे तो भी ठीक है, अगर आपका आईफोन जो है iOS 16 पर या फिर कह लें कि 17.0.3 पर किसी भी अपडेट पर है और ठीक ठाक चल रहा है, तो आपको कोई मैंडेटरी नहीं
बट यदि आपका आईफोन अंडर वारंटी है तो आप इसको बिंदास अपडेट कर लिया करो, नो इशू। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आईफोन 13 में आई थिंक ओएलईडी डिस्प्ले पाई जाती है एंड आईफोन 14 में खास इशू नहीं है, बट उसमें भी मिल जाता है एक आधा केस की ग्रीन स्क्रीन का इशू आ जाता है। तो डेट्स मैंने आपको अवेयर करना था कि आप जो है इसको अपडेट करते हैं, थोड़ा सा वेट करके इसको अपडेट कर लिया करो, रिव्यू देख लिया करो पहले, ठीक है। बाय द वे मैं आपको इन्फॉर्म करता जाऊंगा। एंड रही बात, अभी जो है मैं यहाँ पे 17.1 यूज़ कर रहा हूँ तो इसके अंदर मुझे कोई इशू देखने को नहीं मिला है। एंड मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि एप्पल की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है इसके ऊपर कुछ भी निकल के नहीं आती है, वो कुछ भी क्लेम नहीं कर रहा है कि भाई ये हमारी गलती है, iOS 17 के अपडेट के बाद ही इशू हो रहा है। तो डेट्स वाई यदि आप जो है इनको करना ही चाहते हैं तो इस तरीके से रिव्यू वगैरह देख लिया करें। एंड बाकी यदि कोई भी न्यू अपडेट आता है तो उसमें कुछ इशू होता है तो डेट्स वाई सबसे पहले मैं अपडेट कर लेता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डेट्स वाई मैं आपको जो है वीडियो बना के बता देता हूँ कि आपको अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं। ग्रीन स्क्रीन का इशू कुछ भी नहीं है मेरे आईफोन में, 14 के ऊपर मैं बहुत जल्द जो है अपडेट करना चालू कर दूंगा, जस्ट मैं रुका हुआ हूँ क्योंकि मैं उसको यूज़ नहीं करता हूँ डेट्स वाई। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस।